दोस्तों स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज हम खड़े हैं वृंदावन के अंदर, आपको दर्शन कराने लाए हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के। और अभी हम खड़े हैं प्रेम मंदिर के सामने। दोस्तों प्रेम मंदिर के राइट साइड से गुरुदेव आते हैं, यहीं पर कॉलोनी है श्री कृष्णा शरणम, वहां से आते हैं और श्री राधा हित केली कुंज में जाते हैं। आश्रम श्री राधा हित केली कुंज है जो कि आज हम दिखाने वाले हैं। पहले कृष्णा शरणम दिखाएंगे आपको, उसके बाद चलेंगे श्री राधा हित केली कुंज को दिखाने। चलिए तो दोस्तों चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं श्री कृष्णा शरणम पर और यहीं से पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज का आगमन होता है श्री राधा हित केली कुंज के लिए। दोस्तों यहाँ से दोस्तों 2 से 2.5 किलोमीटर है श्री राधा हित केली कुंज और गुरुदेव का निकलने का समय है 2:30 बजे, 2:30 पर। दोस्तों अभी समय होने ही वाला है, 15 मिनट बाकी हैं, तब तक चलते हैं पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों को आपको दिखाते हैं और उनकी तैयारियां दिखाते हैं गुरुदेव के लिए क्या क्या कर रखी हैं। दोस्तों पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पर रात के 12 बजे से भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है और भक्तजन अपने अपने सुंदर हाथों से चित्रकलाएं भी काटना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पुष्पों से काटते हैं तो कुछ रंगोली काटते हैं रंगों से। दोस्तों अगर आप भी गुरुदेव से एकांत वातावरण करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 2 दिन पहले आना पड़ेगा वृंदावन, और वहां पर आपको श्री राधा हित केली कुंज के मेन गेट पर आपको एंट्री करवानी पड़ेगी अपने नाम की और गांव की। उसके बाद आपको 2 दिन बाद एंट्री मिलेगी दोस्तों आश्रम के अंदर गुरुदेव से एकांत वातावरण के लिए। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम की तरफ। दोस्तों चारों तरफ भक्त खड़े हुए हैं दोस्तों, और देखिए सुंदर पुष्पों से सजा हुआ है रोड भी। दोस्तों अद्भुत भक्त हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के दोस्तों, जो कि प्रतिदिन ऐसे ही गुरुदेव के लिए सजाते हैं भक्तजन रोड को। दोस्तों ये मेन गेट है जहाँ से पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी एंट्री करेंगे, और दोस्तों समय भी हो चुका है पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज का कृष्णा शरणम से निकलने का। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम वहीं पर और आपको प्रथम दर्शन कराते हैं पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज के। चलिए दोस्तों समय हो चुका है गुरुदेव का निकलने का श्री कृष्णा शरणम से, और उनके जो सेवादार हैं वो प्रणाम कर रहे हैं गुरुदेव को आने से पहले ही। और चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं गुरुदेव के प्रथम दर्शन कराते हैं 2:30 के। दोस्तों चलिए तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों गेट ओपन हो चुका है और गुरुदेव के दर्शन होना प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं गुरुदेव के दर्शन। दोस्तों पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने प्रतिदिन लाखों की भीड़ आती है, और दोस्तों गुरुदेव के लिए हाई अलर्ट सिक्योरिटी का भी प्रबंध प्रतिदिन होता है। दोस्तों श्री कृष्णा शरणम से और श्री राधा हित केली कुंज का रास्ता है 2 से 2.5 किलोमीटर का, और गुरुदेव प्रतिदिन पैदल ही तय करते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। दोस्तों जय जय राधा राधा 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 जय जय
अगर दोस्तों आप भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों की सोच रहे हैं तो मैं बताता हूं दोस्तों आप अच्छे दर्शन कहां पे कर सकते हैं। दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आप प्रेम मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर कृष्णा सरनम है, जो कि छठीकरा वाले रोड पर है। जो प्रेम मंदिर वाला रोड है उसी को छठीकरा वाला रोड बोलते हैं। वहाँ पर आप आ सकते हैं प्रेम मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर। प्रतिदिन गुरुदेव वहीं होकर निकलते हैं श्री कृष्णा सरनम से और श्री राधा हित केली कुंज के लिए। दोस्तों आप वहां आ सकते हैं और अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों गुरुदेव सबको दर्शन देते हैं। दोस्तों ये गुरुदेव के भक्तजन हैं जो कि कीर्तन करते हुए चल रहे हैं गुरुदेव के पीछे पीछे। दोस्तों आप या हम गुरुदेव के सामने नहीं जा सकते, गुरुदेव के पीछे ही चलना होता है अगर आप भी श्री राधा हित केली कुंज तक जाना चाहते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर अब आ चुके हैं हम दोबारा से आपको दर्शन कराने पूज्यपाल श्री प्रेमानंद जी महाराज के। देखिए आगमन हो रहा है गुरुदेव का। आगे से हम घूमकर प्रेम मंदिर के आगे से होकर आए हुए हैं। आगे गुरुदेव का रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर का है जिसको तय कर कर आते हैं। चलिए दोस्तों और करिए दर्शन गुरुदेव के। दोस्तों ये गुरुदेव का आश्रम है श्री राधा हित केली कुंज और गुरुदेव का आगमन हो चुका है। अब एंट्री करने वाले हैं गुरुदेव और ये दोस्तों एंट्री करते हुए भी आप दर्शन कर लीजिए गुरुदेव के आश्रम के अंदर। दोस्तों गुरुदेव अंदर जा चुके हैं और उनके जो भक्तजन हैं वो प्रणाम कर रहे हैं उनकी चरण रज को। और दोस्तों अगर आप भी अंदर जाना चाहते हैं आश्रम के अंदर और आप भी अगर कीर्तन में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर गुरुदेव को एंट्री करने के बाद यहाँ पर लाइन लगती है। आप भी लाइन लगा सकते हैं गुरुदेव के आश्रम के अंदर जाने के लिए दोस्तों। और ये दोस्तों भक्तजन अब जाना स्टार्ट हो चुके हैं घर की तरफ। दोस्तों गुरुदेव अंदर जा चुके हैं आश्रम के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों।